हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो लोग अभी भी ज्वाइन किए हैं, सबको गुड इवनिंग। एंड चलिए फिर, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। और आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। ओके सर। सबको मेरी आवाज आ रही है? आप ये तो बोलने में काफी टाइम लगा, अच्छा खासा टाइम लगा दिया। ठीक है, सो दिस सम टाइम इट डज हैपन कि अगर आपका वेबकैम और माइक के साथ वो थोड़ा दिक्कत आता है कभी कभी। सो अगर आवाज चली जाए वापस से तो बता दीजिएगा, ताकि हम, और चैट में मत लिखिएगा, डायरेक्ट बता ही दीजिएगा कि सर आवाज चली जा चुकी है, तो फिर हम उसको वापस पे फिक्स कर देंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड होपफुली इस चैप्टर को आज खत्म भी कर लेंगे। ऑलमोस्ट लाइक मेजर चंक आपके यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ कॉम्प्लेक्सेस जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था, समझा था, सीखा था, राइट? एंड देन वी हैव अंडरस्टूड अवर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हमने सीखा था। याद रखिएगा जो भी आपका हो रहा है, दैट इज माय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो आपका होता है। सो यू विल फाइंड आपका यहाँ पे, आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रेवल करते हैं। ये एनसीआईटी का पिक्चर है, याद रख सकते हो आप इसे। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि कितने एटीपीज आपके यहाँ पे होते हैं, टोटल 38 एटीपीज आपके यहाँ पे हो जाते हैं। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट प्लीज याद रखना हमेशा कि हमने इसे कैसे कैलकुलेट किया था। देन वी हैव डन दिस कीमी ऑस्मोटिक थ्योरी। कीमी ऑस्मोटिक थ्योरी आपको हमेशा यही बताती है कि आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके आप अपना एटीपी हमेशा बना सकते हो। यू कैन यूज द प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड यू कैन मेक एटीपी आउट ऑफ इट। और वो यूज करने के लिए आपके यहाँ पे F0 F1 कॉम्प्लेक्स आपके यहाँ पे मदद करेगा। तो ये बात याद रखना। एक और बात याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछता है कि यार प्रोटॉन इकट्ठा कहाँ पे होते हैं, इफ समवन आस्क्स यू कि यार प्रोटॉन मेरे इकट्ठा हो कहाँ पे रहे, तो आपका आंसर हो सकता है इन माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हाँ जी, जो मेरा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है वहां पे मेरे प्रोटॉन इकट्ठा होते हैं और फिर ये वापस आते हैं मैट्रिक्स के अंदर वाया माय F0 F1 कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देन वी हैव डन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो लोग क्लास में नए हैं प्लीज घबराइए मत, ये जितना कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिख रहा है ये पिक्चर उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। एक बार अगर आप लेक्चर को देख लेंगे फुर्सत से किसी दिन टाइम निकाल के, आपको रियलाइज होगा कि इतना कोई डिफिकल्ट चीज यहाँ पे है नहीं। ठीक है, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। इट माइट लुक वेरी हॉच पॉच राइट नाउ, बट वैसा वो नहीं है। ओके तो ये सब आप याद रखिएगा। यूबिक्विनॉन को भूलेगा मत, वो भी आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो उसको भी ना भूलिएगा। और याद रखना कि एक FADH आपको देता है 2 ATP और एक NADH आपको देंगे हमेशा यहाँ पे 3 ATP। तो इसको याद रख के फिर आप हमेशा कैलकुलेट कर सकते हो एंड देन यू कैन सी हाउ मेनी ATPs यू आर गेटिंग ओवर हियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो, राइट? तो यहाँ पे इसके साथ हमने देख लिया कि कैसे हमारे 3 साइकिल हमने रन कर लिए। सो वी हैव रन द ऑल द 3 साइकल्स। तो हमने हमारे यहाँ पे तीनों साइकिल को यहाँ पे रन कर लिया। सो आपका एक जो ग्लूकोज था, द ग्लूकोज विच यू हैड, राइट? ग्लूकोज के साथ यहाँ पे क्या हुआ? सो ग्लूकोज को हमने यहाँ पे यूज किया था। एंड अगर ग्लूकोज के साथ आपका हो रहा है यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, इफ इट इज अंडरगोइंग द एरोबिक रेस्पिरेशन,
तो याद रखिएगा इसमें तीन इवेंट्स आपके हो रहे थे। सबसे पहला इवेंट कौन सा होता है? सबसे पहला होता है, हाँ जी, ग्लाइकोलाइसिस होता है सबसे पहला प्रोसेस। इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए नहीं चाहिए? नो सर मतलब ओ ऑक्सीजन नो, ये तो होगा ही होगा, यस, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर। देन सेकंड प्रोसेस आपका कौन सा होता है? क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा? चाहिए होता है, चाहिए होगा जी, बिना ऑक्सीजन के काम नहीं होगा, बिल्कुल सही। और क्रैब साइकिल मेरा होता कहाँ पे? और ये जब मेरा प्रोसेस होगा तो मुझे बहुत सारे एटीपीज मुझे मिल जाएंगे। और याद रखना ये आपका प्रोसेस कहाँ पे होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही, ठीक है। सो ये सब करने के बाद जनरली आपको यू गेट योर 38 एटीपीज विल बी गेटिंग ओवर हियर। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये हमने यहाँ पे समझ लिया, अब हम कुछ और समझते हैं। सो दिस इज समथिंग वी हैव डन। तो हमने मेजर कंटेंट हमारे यहाँ पे कवर कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि हमारे एटीपीज यहाँ पे कैसे बनते हैं, दैट इज ऑल समथिंग वी हैव सीन। ये सारी कहानी हम यहाँ पे समझ चुके हैं, वी हैव अंडरस्टूड दैट थिंग नाउ। सो वी हैव ऑल्सो सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर हियर। अब हम क्या करेंगे, we will start with the amphibolic pathway, we will start with the topic of my amphibolic pathway. to chaliye dekhte hain ye pathway kya hota hai aur hame iske andar kya seekhne ko milega isko hum samajhte hain. so let's try to see that what is my amphibolic pathway and what is something you will get to see over here. to chaliye isko hum yahan pe dekhte hain. to aap ek baat pehle aap yaad rakhiye is sab ke andar ki aapka jab respiration humne dekha to basically humne glycolysis ko break down kiya, humne glucose ko yahan pe ब्रेक डाउन किया। सो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन व्हाट वी हैव डन, वी हैव ब्रेकन डाउन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इट इज बीन, इसका हमने ब्रेक डाउन किया और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके फिर हमने बनाया हमारा, सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया अपना पाइरुविक एसिड, हाँ जी, और फिर उसके बाद हमने उसमें से काफी सारी चीजें फिर बाद बनाते रहे। सो इट इज अ ब्रेकिंग प्रोसेस। अब याद रखना जब भी कोई प्रोसेस होता है जिसमें एक लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, जो भी आपका एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई लार्जर मॉलिक्यूल को हम लोग लेंगे उसे ब्रेक डाउन करेंगे एंड विल मेक द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जब भी कोई ब्रेकिंग प्रोसेस होता है उस ब्रेकिंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैटाबॉलिज्म। ये बात आप पहले भी सुन चुके हो जब मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था। सो दिस इज माय कैटाबॉलिज्म। सो ब्रेकिंग प्रोसेस जो भी आपका होता है जहां पे लार्जर मॉलिक्यूल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैटाबॉलिज्म। अब कहा जाता है, लोगों ने यहाँ पे देखा है दैट रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, देखने को दिख भी रहा है आपको यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेकडाउन यहाँ पे किया जा रहा है, यू कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट। अब आप एक और चीज याद रखना कि ग्लूकोज के अलावा और भी कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम ब्रेकडाउन कर सकते हैं। ग्लूकोज तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, बट अलॉन्ग विद ग्लूकोज यू कैन ऑल्सो हैव समथिंग लाइक योर, लेट्स से यू कैन हैव योर फैट्स को भी आप ब्रेकडाउन कर सकते हो, ठीक है, आप इवन ब्रेकडाउन प्रोटीन को भी ब्रेकडाउन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल ओवर हियर। अगर मैं फैट को ब्रेक डाउन करता हूँ, इफ आई ब्रेक डाउन द फैट, तो फैट को ब्रेक डाउन करने के बाद मुझे दो चीजें मिलती है, मुझे यहाँ पे मिलेगा मेरा यहाँ पे ग्लिसरॉल मुझे यहाँ पे मिलेगा एंड देन आई कैन गेट समथिंग लाइक योर फैटी एसिड। तो जब मैं फैट को ब्रेक डाउन करता हूँ तो मुझे दो चीजें यहाँ पे मिल सकती है, आई कैन गेट समथिंग लाइक माई ग्लिसरॉल, आई कैन गेट समथिंग लाइक माई फैटी एसिड। तो ये दो चीजें मुझे यहाँ पे मिल सकती है, दीज आर द टू थिंग्स विच यू हैव यू विल बी फाइंडिंग गेटिंग फॉर्मड। अब आप यहाँ पे एक चीज याद रखिए, दिस वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, कि जब आपको ये दो चीजें मिल रही है तो ये मेरे रेस्पिरेटरी पाथवे में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। देखिए ग्लूकोज तो हम जानते हैं कि करेगा ग्लाइकोलाइसिस, बट फैट्स को अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो आपका ग्लाइकोलाइसिस फिर आपका वहां पे नहीं करते हम लोग। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, मेरा फैटी एसिड कन्वर्ट किया जा सकता है इंटू माई एसिटाइल को, ये मेरा कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू माय एसिटाइल कोए, और एक बार मेरा एसिटाइल कोए बन गया फिर आप जानते हो मेरा क्रैब साइकिल चालू किया जा सकता है। ना ना क्रैब साइकिल, पहले क्रैब साइकिल ना, एक बार कोए बन गया मेरा, देन आई कैन डायरेक्टली एंटर द क्रैब साइकिल। अभी क्या करेगा ये, डायरेक्टली एंटर करेगा, इट विल एंटर द क्रैब साइकिल, ठीक है। तो उसी तरीके से
उसी तरीके से जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल भी डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस नहीं कर सकता चालू, बट ये पता है क्या कर सकता है आपका जो ग्लिसरॉल यहाँ पे होगा, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू योर पीजीएएल, फॉस्फोग्लिसराइडिहाइड। ये नाम तो आपने सुना ही है, दिस इज अ नेम यू हैव यस राइट। सर यस ये अगर आपको याद हो तो ग्लाइकोलाइसिस में मिलता था आपको, दैट इज समथिंग यस सर ग्लाइकोलाइसिस। तो याद रखना जब आपकी बॉडी में फैट को ब्रेक डाउन करते हैं और अगर ग्लिसरॉल बनता है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे पीजीएल के अंदर, और फिर ये आपका एंटर कर सकता है आपका ग्लाइकोलाइसिस, देन इट कैन एंटर इनसाइड द ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी, दिस इज समथिंग यू कैन ऑलवेज रिमेम्बर। उसी तरीके से जब आप प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हो, जब आप प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हो तो आपको इनिशियली आपको मिलते हैं अमाइनो एसिड, प्रोटीन बेसिकली बने होते हैं बेटा आपके यहाँ पे अमाइनो एसिड से। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका साक्षी, बताइए, बोलिए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। अच्छा गलती से हुआ है क्या, अच्छा ठीक है। सो व्हाट विल बी हैपनिंग, देखिए आपका प्रोटीन आपके पास यहाँ पे, प्रोटीन को मैं ब्रेक डाउन करूंगा, जब मैं उसे तोड़ूंगा तो मुझे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। अब पता है क्या होता है, इन अमाइनो एसिड्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट देम इनटू समथिंग लाइक योर अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। और आप जानते हो कि एक बार मेरा अल्फा कीटो ग्लूटारेट यहाँ पे बन गया तो ये आपका किसके अंदर एंटर कर सकता है, एंटर कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना आपने ये तो सुना ही है कि आपका मेन सबस्ट्रेट हमने ग्लूकोज पढ़ा है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कैसे सब चीजें होती है, बट कई बार क्या होगा कि अगर ग्लूकोज नहीं है तो आप फैट को भी यूज कर सकते हो, प्रोटीन को भी यूज कर सकते हो, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कैसे हम उन्हें यूज कर सकते हैं। आप ग्लिसरॉल से पीजीएल बना लो, फैटी एसिड से एसिटाइल कोई बना लो राइट, इवन कई बार अमाइनो एसिड में से भी आप एसिटाइल कोई बना सकते हो, वेरी ऑफन यू कैन मेक ऑल्सो दैट हैपन। तो ये सब चीजें आपके यहाँ पे बनाई जा सकती है, और इनको बनाने के बाद यू कैन एक्चुअली मेक लाइक आप अपना साइकिल अपना रन कर सकते हो। ठीक है, तो क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। इस तरीके से हाँ जी, इस तरीके से आप ये अलग अलग मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, शायद डायरेक्टली ना कर पाए हमेशा, बट बीच में से ये लोग पार्टिसिपेशन अपना यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप एक चीज यहाँ पे समझिए, अभी तक साइंटिस्ट लोग, नॉट अभी तक बट काफी टाइम तक लोग समझ रहे थे कि आपका रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स को आप ब्रेक डाउन कर रहे हो और फिर उन्हें आप यूज कर रहे हो, सो इट इज माय कैटाबॉलिक प्रोसेस। बट देखा गया है दैट रेस्पिरेशन इज ऑल्सो माय एनाबॉलिक प्रोसेस एज वेल, जो रेस्पिरेशन मेरा यहाँ पे वो मेरा एक एनाबॉलिक प्रोसेस की तरह भी काम कर सकता है। सो लेट्स सी दैट कैसे वो काम करेगा। याद रखिए, इट कैन बी ऑल्सो यूज एज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, इट इज ऑल्सो एनाबॉलिक प्रोसेस। मैं आपको बताता हूँ, सो एनाबॉलिज्म में, एनाबॉलिज्म में बेसिकली क्या होता है, इट्स अ बिल्डिंग प्रोसेस। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं यहाँ पे, इट्स अ बिल्डिंग प्रोसेस, इट इज गोइंग टू बी अ बिल्डिंग प्रोसेस। अभी जो बिल्डिंग प्रोसेस मेरा यहाँ पे, इसमें होता क्या है, अज्यूम करो कि कुछ स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, आई हैव सम स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इनको मैं इकट्ठा करके कुछ बड़ा बना सकता हूँ। अगर मैं इनको इकट्ठा करके कुछ बड़ा बना सकता हूँ, देन दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय एनाबॉलिज्म। सो दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर एनाबॉलिज्म। सो ये है मेरे यहाँ पे बिल्डिंग प्रोसेस, आपने छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पकड़े, इकट्ठा किया उन्हें, और फिर आपने बनाया यहाँ पे आपका योर सम लार्जर मॉलिक्यूल। तो अगर मैं कई सारे अमाइनो एसिड को लेके आता हूँ पकड़ के, अगर मैं प्रोटीन बनाता हूँ, दैट इज एनाबॉलिज्म। अगर मैं कई सारे ग्लूकोज को पकड़ के लेके आता हूँ और उन्हें जोड़ के मैं अगर स्टार्च बनाता हूँ, दैट इज ऑल्सो एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म इज अ बिल्डिंग प्रोसेस। तो ये बात तो पहले आपको पता होनी चाहिए, एनाबॉलिज्म इज अ बिल्डिंग प्रोसेस। कई सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आप पकड़ के, आप जोड़ के उनको आप लाइक उसमें से आप कुछ बना सकते हो। क्या इतनी बात समझ आ रही है आपको, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यार रेस्पिरेशन आपका एनाबॉलिक प्रोसेस आपके यहाँ पे कैसे बनेगा, हाउ रेस्पिरेशन विल टर्न आउट टू बी अ एनाबॉलिक प्रोसेस। नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो देखो यहाँ पे होता क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा कि अज्यूम करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर यू नीड टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड, आपके बॉडी, आपका बॉडी कहता है दैट यू नीड फैटी एसिड। सो अज्यूम दैट यू नीड फैटी एसिड इन साइड द बॉडी, आपका बॉडी चाहता है कि यार आपको चाहिए फैटी एसिड। तो अगर आपको फैटी एसिड चाहिए होगा तो पता है क्या होगा, आपके क्रेब्स साइकिल में से
आप अपना एस्टाइल कोई को निकालोगे. सो व्हाट यू विल डू ओवर हियर, आप एस्टाइल कोए जो आपका वहां पे था, एसिटाइल कोए जो आपका था वहां पे, उसको आप निकालोगे और उसको निकाल के आप वापस से अपना फैटी एसिड आप बना सकते हो. तो ये करा भी जाता है कई बार, क्रेब्स साइकिल में से आपके एस्टाइल कोए को निकाल के आप अपना फैटी एसिड बना सकते हो. यू कैन एक्चुअली मेक आउट ऑफ इट. ठीक है, तो अगर आप ये कर रहे हो तो ये रिवर्स हो गया ना, जो हमने यहाँ पे देखा था, जो हमने यहाँ पे देखा था उसका रिवर्स हो गया. तो अगर वो रिवर्स हो रहा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ माय एनाबोलिज्म, यहाँ पे आप चीजों को बिल्ड कर रहे हो. तो ऐसा किया जा सकता है. फिर आपको मैं एक और एग्जांपल दूंगा. एक और एग्जांपल आपका यहाँ पे हो सकता है, जैसे आपका हो गया एग्जांपल लाइक योर सक्सिनाइल को है, सक्सिनाइल को ए आपने देखा है, सक्सिनाइल को ए आपने देखा है क्रेब्स साइकिल के अंदर सब लोगों ने, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सक्सिनाइल कोए को यूज करा जाता है कई बार. इट इज बीन वेरी इंपॉर्टेंटली यूज इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ पोरफायरिन. मैं आपको बताता हूँ, हमने एक टर्म सुना होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो टर्म था आपके यहाँ पे पोरफायरिन. इसको याद है कुछ, ये पोरफायरिन हमने कहाँ पे सुना था, ये टर्म पोरफायरिन हमने टर्म सुना था जब हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ योर क्लोरोफिल. याद करिए, जब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देख रहे थे ना, तो पता है सेंटर में मैग्नीशियम था और जो रिंग थी उसे हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग. पोरफायरिन इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइक क्लोरोफिल. इट इज अ पार्ट ऑफ माय, इट इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल. तो अगर ये आपको बनाना हो, ये आपको बनाना हो तो आपको चाहिए सक्सिनाइल कोए. तो आपका सेल क्या करेगा, क्या सक्सिनाइल कोए तुम्हारे पास है नहीं, तो एक काम करते हैं, क्रेब्स साइकिल में से सक्सिनाइल कोए को निकालते हैं और उसे यूज करके मेरा पोरफायरिन बना लेते हैं. सो दैट कैन ऑल्सो बी डन. उसी तरीके से कई बार क्या किया जाता है कि आपका जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, ये भी आपने नाम सुना है, या अगर अल्फा कीटो ग्लूटारेट, तो कई बार आपका प्लांट क्या करेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट को निकालेगा क्रेब्स साइकिल में से और बनाएगा आपका अमाइनो एसिड. जो अमाइनो एसिड जिसकी जरूरत होगी उसको बना लेगा. तो याद रखना, रेस्पिरेशन के अंदर आपका जो भी क्रेब्स साइकिल के अंदर या किसी रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर कोई मॉलिक्यूल होता है ना, उसको हम बाहर निकाल के कुछ बड़ा बना सकते हैं. वी कैन मेक समथिंग बिग आउट ऑफ इट, राइट? ये हम कर सकते हैं. आपने एस्टाइल कोई निकाल के आप बना सकते हो, सक्सिनाइल कोई से निकाल के बना सकते हो, अल्फा कीटोग्लूटाइड को आप बाहर निकाल के उसमें से कुछ बना सकते हो. तो जब आप कुछ निकाल के कुछ बड़ा बना रहे हो, दैट इज माई एनाबोलिज्म, दैट इज गोइंग टू बी द एनाबोलिज्म. तो इस हिसाब से देखा जाए तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला यार, इसमें तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों दिख रहा है. कैटाबोलिज्म तो हम देख ही रहे हैं और आपका सेल रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकाल भी देता है, सेल आपका निकाल भी देता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट? सो यू विल फाइंड कैटाबोलिज्म भी यहाँ पे मिलेगा, राइट? और यहाँ पे आपका एनाबोलिज्म भी यहाँ पे मिलेगा. बोथ द थिंग्स हैव बीन सीन. अगर आपको रेस्पिरेटरी पाथवे में कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म अगर आपको दोनों दिख रहा है, तो ऐसे पाथवे को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एम्फिबोलिक पाथवे. Such pathway or is called my amphibolic pathway. क्या ये बात आप सबको समझ आ रही है? ठीक है. सो एम्फीबोलिक पाथवे होता है, रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक पाथवे जो यहाँ मेंशन किया हुआ है, और वो मेंशन करा ही इसलिए जस्ट टू टेल यू कि इस पाथवे के अंदर आपको दोनों चीजें होते हुए आपको मिलती है, कैटाबोलिज्म एज वेल एज माय एनाबोलिज्म. तो अगर कैटाबोलिज्म तो आप देख सकते हो यहाँ पे होते हुए, एनाबोलिज्म में क्या होता है कि आप उन्हीं मॉलिक्यूल्स को जो आपके पाथवे को रन करते हैं उनको निकाल के आप कुछ ना कुछ एसेंशियल आप वहां पे बना सकते हो. यू कैन ऑलवेज मेक समथिंग एसेंशियल आउट ऑफ इट. सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ लाइक एम्फीबोलिक पाथवे ओवर हियर. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा. सो दिस इज द थिंग विच शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, सी अच्छा देखो, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि देखो हमने फैट को ब्रेक डाउन किया ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के अंदर, और फिर आपके जा सकते हैं, देखो ये कन्वर्ट किया जाता है इनटू एस्टाइल कोए के अंदर, या फिर इसमें से आप इवन बना सकते हो आपके ग्लिसरॉल में से डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट या पीजीएल, जो भी आप इसमें से बना सकते हो. ओके, दोनों चीजें बन सकती है, ये मत सोचा सिर्फ ये बन सकता है, दोनों चीजें बन सकती है. ठीक है, उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं हम यहाँ पे, यू गेट अ पाइरूविक एसिड, वो डायरेक्टली आपको मिल सकता है. अमाइनो एसिड को जब आप प्रोटीन को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको मिलेगा अमाइनो एसिड, उसे हम यूज करके पाइरूविक एसिड डायरेक्टली बना सकते हैं, या इसमें से हमारा कोई दूसरा मॉलिक्यूल बन सकता है. सो दीज आर द थिंग्स यू विल फाइंड हैपनिंग इन द कैटाबोलिज्म. और इसी तरीके से आप इस पाइरूविक एसिड को यूज करके आप वापस से अमाइनो एसिड बना सकते हो. यू कैन अगेन मेक द अमाइनो एसिड. एस्टाइल कोए को यूज करके आप वापस से फैटी एसिड बना सकते हो. तो ये सब आपको याद रखना है जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे समझा के रखा हुआ है. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ माई एम्फीबोलिक पाथवे. ठीक है, सो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है. अब सोचो, समझो अगर आपको गाजर का हलवा बनाना है
और आपके पड़ोसी से आप चीनी लेके आते हो और आपने चीनी लाके उसे मिक्स कर दिया राइट और आपने हलवा बना लिया. सो दैट्स अज्यूम लेट्स अज्यूम दैट इज माय कैटाबॉलिज्म. तो आप बताओ अगर वो आदमी वापस आता है और कहता है कि मुझे मेरी चीनी वापस चाहिए तो क्या आप उसे चीनी वापस दे पाओगे? तो फिर आप उसे क्या बोलोगे? गाजर हलवा ले लो. गाजर हलवा ले लो. उसे चाय बनानी है, वो चीनी लेने के लिए आया है, वो क्या तुम्हारा हलवा आप डालेगा क्या चाय के अंदर मिक्स करने के लिए? अच्छा लेकिन अच्छा एटलीस्ट तुमने ऑफर तो क्या कम से तुमने एटलीस्ट ऑफर किया राइट. सो वहां पे तो हम कुछ नहीं कर सकते बट यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे आप कर सकते हो. यहाँ पे आप अगर ब्रेक डाउन करके आपने कुछ बनाया तो उसको वापस निकाल के आप वहां से वापस कुछ आप बना सकते हो. ठीक है. सो दैट इज माई एनाबोलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. ओके ठीक है. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. सो ये हो गया मेरे यहाँ पे एम्फिबोलिक पाथवे. अब मेरा यहाँ पे आता है रेस्पिरेटरी कोशेंट. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज माय रेस्पिरेटरी कोशेंट ओवर हियर. बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है. डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है. द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्वड, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्वड टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज माय रेस्पिरेटरी कोशेंट. तो बेसिकली लोग क्या कह रहे हैं कि कोई मॉलिक्यूल होता है उसको जब लोग ब्रेक डाउन करते हैं जब उसका रेस्पिरेशन किया जाता है सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अमाउंट ऑफ CO2 निकलेगी वहां से, एक सर्टन अमाउंट ऑफ CO2 आपको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा और उसे ब्रेक डाउन करने के लिए एक सर्टन अमाउंट ऑफ O2 भी कंज्यूम किया जाएगा. सो जब आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हो तो आप एक सर्टन अमाउंट का O2 कंज्यूम करते हो. सो दैट इज बीन कंज्यूम्ड ओवर हियर और एक सर्टन अमाउंट में आपका CO2 आपको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. ओके सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज माय रेस्पिरेटरी कोशेंट. सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व to the volume of O2 consumed in respiratory in respiration is called as my respiratory quotient, right? तो ये हर एक बायोमोलिक्यूल के लिए अलग होता है. For every biomolecule, it is going to be different. तो वही आपको इसके अंदर याद रखना है. याद रखना numerator में आपका CO2 evolve हो रहा है और denominator के अंदर आपका O2 यहाँ पे consume किया जा रहा है. So that is going to be the RQ. तो याद रखना हर एक का RQ value अलग अलग होता है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको sugar का, so sugar will have the RQ value that is going to be 1. शुगर का आर क्यू वैल्यू आपको यहाँ पे होता है दैट इज गोइंग टू बी योर 1. दैट मींस व्हाट, अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम एंड अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व आर गोइंग टू बी सेम. तभी आ सकता है ना 1. सिंपल सी बात है. न्यूमरेटर में 6 होगा डिनोमिनेटर में 6 होगा आपको बना सकता है. आई होप सो आप समझ पा रहे हो. सो शुगर का याद रखना हमेशा आर क्यू वैल्यू आपका रहेगा यहाँ पे 1. शुगर कार्बोहाइड्रेट का रहेगा यहाँ पे वैल्यू 1. देन अगर मैं बात करता हूँ मेरे फैट्स की, अगर मैं फैट्स की बात करता हूँ तो इसमें आप याद रखना कि इनका जो आर क्यू वैल्यू होता है इट्स गोइंग टू बी अराउंड 0.7. RQ वैल्यू जो होता है आपके फैट्स का वो आपका होता है 0.7. सो 0.7 आपको मिलेगा इसका RQ वैल्यू. सो 0.7 विल बी द RQ वैल्यू ऑफ द फैट्स एंड देन यू कैन हैव RQ वैल्यू ऑफ समथिंग लाइक अ प्रोटीन. अगर RQ वैल्यू आप प्रोटीन का देखते हो तो ये आपका RQ वैल्यू इसका निकलेगा 0.9. हाँ जी 0.9. सो 0.9 आपका यहाँ पे आपका होता है RQ वैल्यू ऑफ अ प्रोटीन. तो ये कुछ बेसिक RQ वैल्यू पहले आपको याद रखना है. इसके अलावा और भी दो तीन होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेंगे. बट प्रोटीन क्या रखना, इट विल बी 0.9, फैट का होता है 0.7 और शुगर का हमेशा 1. ठीक है. कुछ आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका आरक्यू वैल्यू मोर देन 1 होता है, जैसे कुछ ऑर्गेनिक एसिड, जैसे आपका हो गया ऑक्सिलो एसिडिक एसिड, मैलिक एसिड, ये जो आपके ऑर्गेनिक एसिड है इनका आरक्यू वैल्यू आपका मोर देन 1 आपको मिलेगा वहां पे. ठीक है. तो आरक्यू वैल्यू में याद रखना इट इज नथिंग बट माई अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज टू द अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड एंड दैट इज माई रेस्पिरेटरी कोशेंट. तो चलिए इसको हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम शुगर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं. ये जो मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे है ये है आपका यहाँ पे शुगर. सो दिस मॉलिक्यूल इन फ्रंट ऑफ यू इज गोइंग टू बी द शुगर. और जब आप शुगर को ब्रेक डाउन करते हो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल फाइंड 6 CO2 हमने इवॉल्व किए, 6 O2 हमने यहाँ पे कंज्यूम किया एंड आर क्यू वैल्यू इज गोइंग टू बी योर 1 आपको यहाँ पे दिख रही है. ठीक है. देन अब यहाँ पे देख लो ट्रैपेलमाइटिन. सो ट्रैपेलमाइटिन जो आपका यहाँ पे है इट इज बेसिकली अ फैट. ये आपका एक टाइप का आपका फैट है. इट इज वन काइंड ऑफ योर फैट ओवर हेड. सो ट्रैपेलमाइटिन को अगर आप यहाँ पे ब्रेक डाउन करने का अगर देख रहे हो तो देखो इसमें क्या है. द अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व आर माय 102. 102 मॉलिक्यूल मेरे CO2 यहाँ पे इवॉल्व कर रहे हैं और न्यूमरेटर मेरे यहाँ पे है यहाँ पे 145. तो न्यूमरेटर में नंबर मेरे यहाँ पे बड़ा है तो काफी ज्यादा O2 कंज्यूम होता है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए. ठीक है. इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपका काफी हाई अमाउंट में आपका यहाँ पे O2 कंज्यूम होगा तो इसका आपका वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे आपका 0.7. So this over here is going to be the fat. तो एग्जाम में पता है वो लोग क्या करेंगे, आपके सामने मॉलिक्यूल रखेंगे और आपको डायरेक्टली पूछेंगे कि क्या होगा इसका आरक्यू वैल्यू. दैट इज वॉट दे विल डू. आपके सामने मॉलिक्यूल का नाम होगा एंड देन दे विल आस्क यू, बताइए
क्या होगा इसका आरक्यू वैल्यू, सो यू शुड बी एबल टू टेल देम परफेक्टली कि क्या होगा उसका वैल्यू. देन व्हेन अ प्रोटीन आर द रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, जब प्रोटीन आपका रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट होता है तो आपका आरक्यू वैल्यू यहाँ पे आप करेगा हमेशा 0.9. ओके, सो प्रोटीन को जब आप ब्रेक डाउन करते हो तो भी याद रखना आपका वैल्यू आपका रहता है 1 से नीचे, दैट इज गोइंग टू बी 0.9. तो ये सब मैंने आपको बता दिया. उसके अलावा मैंने आपको बताया कि कुछ कंडीशन में आपका आरक्यू वैल्यू मोर देन 1 हो सकता है, सो वो भी हम देख लेते हैं. सो मोर देन 1 आपका किसके अंदर है, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर. सो ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड आपका आरक्यू वैल्यू होगा मोर देन 1. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सलोएसिटिक एसिड, आप यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सलोएसिटिक एसिड का यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर रखा हुआ इन लोगों ने यहाँ पे, राइट. आपके अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम इज गोइंग टू बी 1, एक ही O2 आपके यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में आपका 1 है यहाँ पे, आपका एक O2 यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है और चार CO2 आपके यहाँ पे रिलीज किए जा रहे हैं, तो 4/1 इज इक्वल टू 4. सो यू कैन सी दैट ओवर हियर, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है. अगर मैं बात करूँ मैलिक एसिड की, मैं यहाँ पे मैलिक एसिड की यहाँ पे बात कर सकता हूँ, तो आपको यहाँ पे काफी क्लियरली आपको रिएक्शन में दिख जाएगा दैट अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम कितने हैं मैलिक एसिड के अंदर, बताइए मुझे कितने O2 कंज्यूम हो रहे हैं यहाँ पे. 3 तो आपका वैल्यू आपका यहाँ पे 1.3. तो याद रखना ऑर्गेनिक एसिड आर नोन टू हैव अ मोर देन 1 वाली वैल्यू, ठीक है. सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट ऑर्गेनिक एसिड आर नोन टू हैव मोर देन 1 वाली वैल्यू आपका इसके अंदर मिल जाएगी. जितना कम O2 कंज्यूम हो रहा है दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, जितना कम O2 कंज्यूम होगा दैट इज अ गुड थिंग, आप कम O2 कंज्यूम करके ज्यादा एनर्जी आप बना पा रहे हो. सो आरक्यू वैल्यू आपको काफी चीजें आपको यहाँ पे बताता है. सो दिस इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेम्बर. क्या आरक्यू वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स, हाँ जी, बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, इट्स वेरी सिंपल थिंग. एंड इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में कितना आपका O2 कंज्यूम होता है, कितना आपका CO2 वहां पे रिलीज किया जाएगा. सो दैट इज समथिंग यू कैन सी. इससे आपको ये भी आइडिया लगता है कि किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए कितना ऑक्सीजन आपको कंज्यूम करना पड़ रहा है. अब देखो ना आप यहाँ पे फैट देख लो, फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको काफी लग जाता है यहाँ पे ऑक्सीजन. यू नीड टू हैव हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम्पेयर टू द CO2 इवॉल्व. सो यू कैन सी दैट. ये सब आप चीज आपको यहाँ पे समझ आती है. अच्छा, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा. आरक्यू वैल्यू अगर आप निकालोगे सकुलेंट प्लांट के अंदर, या मैं आपको एग्जाम्पल दू आरक्यू वैल्यू in your, if I say RQ value in your chem plants के अंदर आप RQ value निकालने की कोशिश करते हो ना, तो वहां पर काफी इंटरेस्टिंग आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे. सो वॉट happens अगर हम chem plants सबको याद है ना, chem plant जो रात को yes, sir. तो अगर आपको याद हो तो इनके लिए CO2 काफी इंपॉर्टेंट होता है और वो लोग ये रात को लाते हैं अपने बॉडी के अंदर, राइट. दैट इज व्हाट दे डू, दे टेक अप द CO2 इन द नाइट टाइम एंड ब्रिंग इनसाइड द बॉडी. तो अब याद रखना अगर हम कैम प्लांट्स की बात करते हैं ना, तो इनके अंदर CO2 रिलीज होता ही नहीं है, CO2 इनका यूज ले जाता है. तो जब इनके अंदर रेस्पिरेटरी पाथवे होगा तो इनके अंदर CO2 रिलीज नहीं होता, बल्कि जो CO2 निकलता है उसे फटाफट वो लोग यूज कर लेते हैं. तो अगर मैं इसको देखूंगा ना यहाँ पे, इफ आई टॉक अबाउट कैम प्लांट्स, तो अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व अगर मैं यहाँ पे चेक करने लगता हूँ इनका, तो उसका वैल्यू मेरा यहाँ पे आता है 0, ठीक है. उसका वैल्यू इनका यहाँ पे आता है 0. ओके, अब अगर CO2 का वैल्यू मेरा यहाँ पे 0 आ रहा है, तो क्या ही फर्क पड़ता है कि मेरा O2 का वैल्यू यहाँ पे कितना भी हो, अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. अगर CO2 का ही वैल्यू मेरा यहाँ पे 0, तो अल्टीमेटली यहाँ पे मेरा आंसर यहाँ पे होगा 0. सो दैट विल बी द आरक्यू फॉर माय सकुलेंट प्लांट्स, या मैं कैम प्लांट्स प्लांट्स की अगर बात करें तो इनका आरक्यू आपका हमेशा यहाँ पे रहेगा 0, बिकॉज O2 आपका यहाँ पे रिलीज ही नहीं होता. जो भी आपका O2 यहाँ पे बन रहा होता है दैट O2 इज गेटिंग यूज्ड अप फॉर अगेन फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसलिए O2 यहाँ पे रिलीज होगा नहीं. अब नीचे कोई भी वैल्यू आपकी 2, 3, 4 कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, आपका आरक्यू वैल्यू यहाँ पे जो निकलेगा दैट इज गोइंग टू बी द 0/1. उसके बाद आप एक और चीज यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी वन मोर थिंग ओवर हियर. Let's try to see. Okay. अच्छा, हम बात करते हैं अब. So ये हमने यहाँ पे देख लिया आरक्यू वैल्यू ऑफ कैम प्लांट्स. अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे आरक्यू ऑफ योर एनएरोबिक रेस्पिरेशन. आरक्यू ऑफ योर एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, आरक्यू प्लांट्स के एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर वहां पे बात करते हैं,
तो इसमें देखिए होता क्या, अब आप याद करिए, हमने पढ़ा था एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अगर आपको याद हो तो वी हैव सीन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब जब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, हाँ जी, जब वो हो रहा है तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे, पहले आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, राइट, एंड देन उसके बाद आपका होता है आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, आपका यहाँ पे होगा। तो आप मुझे बताइए, जब आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, सो अगर जब आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपका होगा, तो क्या आपकी CO2 रिलीज होता था या नहीं होता था उसके अंदर? बिल्कुल होता था। तो आप इमेजिन कर लो कि मेरा यहाँ लिख देता हूँ, मेरा जो CO2 इवॉल्व मेरा यहाँ पे हो रहा था, वो मेरे दो हो रहे हैं, अगर आपको याद हो तो आपके दो निकलते वहां पे, सो लेट्स से मैं यहाँ पे टू लिख देता हूँ, CO2 were getting evolved over here, right? अब आप मुझे बताइए, ड्यूरिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या O2 कंज्यूम करा जाता है, नहीं करा जाता? नो सर, नहीं किया जाता, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, यहाँ पे O2 कंजम्पशन आपका होता ही नहीं है। देखो, ना ही ग्लाइकोलाइसिस में आपको O2 कंजम्पशन होता है, ना ही आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर आपको O2 कंजम्पशन आपके यहाँ पे होता है, तो क्या वैल्यू मेरी यहाँ पे आएगी O2 की? जीरो। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में जीरो है, CO2 का वैल्यू क्या आंसर होगा मेरा यहाँ पे? जीरो। ऐसे नहीं होता, नहीं, 0.2, ये क्या हो गया 0.2 यार, इन्फिनिटी, दिस विल बी योर इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आपका आंसर आपका यहाँ पे इन्फिनिटी। अभी कैलकुलेटर में अगर आप टाइप करोगे ना 2/0, तो आपको ये आंसर देगा, वो बोलेगा इन्फिनिटी, राइट। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, सो दिस विल बी क्लियर टू यू। सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, एंड दैट टू इन माय एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, याद रखना, the value is going to be your infinity. Infinity इसलिए आ रही बेटा, क्योंकि अगर आपका denominator में अगर आपका zero है, तो बात खत्म हो जाती है, फिर ऊपर कोई भी number हो, the answer will be my infinity. उसी तरीके से अगर आपका numerator में अगर आपका zero है, फिर नीचे कोई भी number हो, आपका answer end में zero ही आएगा. So that should be clear to all of you. तो क्या ये वाली बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बड़ी सिंपल सी बात, वैल्यू याद रखना, ठीक है, एग्जाम आएगा तो संभालना, ओके. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आपको काफी ध्यान से करने पड़ेंगे. नाउ इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू हैव टू थिंक एन आंसर. सो व्हिच, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन द ग्लूकोज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपके यहाँ पे होता है, तो आपकी कितनी एनर्जी आपके यहाँ पे रिलीज की जाती है. अब उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है सारा वैल्यू परसेंटेज के अंदर. अब ये क्वेश्चन सोल्व करने के पहले आप मुझे बताओ, जब आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, एक ग्लूकोज लिया एंड वी डिड अ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, कितने एटीपी आपको मिलते हैं बताइए, कितने एटीपी आपको मिलेंगे यहाँ पे? टू एटीपी कहाँ पे बन रहे थे, कौन से प्रोसेस में बन रहे थे? ग्लाइकोलाइसिस में. हाँ जी, बिल्कुल सही. तो आपको सिर्फ यहाँ पे दो ही एटीपी मिलेंगे. देखिए एक बार फिर सबको बता रहा हूँ, जब आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें, तो पहले तो आपका ग्लाइकोलाइसिस होगा, राइट, और जब आपका ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले होता है, तब आपको दो एटीपी आपको वहां पे मिल जाते हैं, ओके? तो दो एटीपी आपको यहाँ पे मिल जाए. अब आप मुझे बताओ, ये हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपको दो एटीपी मिल गए, तो हमें ये पता चल गया. अब परसेंटेज की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम वो कैसे निकालेंगे? अब इसका देखिए, आप समझिए मेरी बात. अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो कितने एटीपी आपके बनते हैं? 38. भूलना नहीं आप लोगों ने, ये सब याद रखना, ठीक है? सो 38 एटीपीज हो गया, ठीक है? अब इसका परसेंटेज हम यहाँ पे देखना चालू करते हैं. अगर मैं 38 का हाफ करूं, इफ आई डू द 38 एटीपीज, अगर मैं हाफ करता हूँ, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा? 19, ठीक है. एक काम करते हैं, हम लोग 36 ले लेते हैं, ताकि हमें लाइक इवन नंबर मिलता है. 36 में ले सकता हूँ, बिकॉज दो एटीपी तो खर्च हो गए, ठीक है? लेट्स से 36 एटीपी हम यहाँ पे लेते हैं, ओके? तो मुझे यहाँ पे मिलेगा मेरा 18 एटीपी का, इसका हाफ हो गया, राइट? तो दैट मींस 50% होगा, अगर मैं 18 मतलब मेरा 50% है ना, 18 मतलब मेरा 50%. 18 का हाफ क्या होगा? 100%. चलिए हमने यहाँ तक देख लिया, और इसको कम करते हैं, तो समझो मेरा 9 एटीपी यहाँ पे है, इसका हाफ कितना होगा? 4.5. 4.5.
4.5 टीपी इसका अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे तो मेरा परसेंटेज अभी यहाँ पे 25% था मेरा यहाँ पे, अब कितना जाएगा 12.5% मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये वैल्यू मेरी यहाँ पे आ चुकी है। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज का वो निकाल मतलब अब 4.5 का हाफ कितना होगा, दो एटीपी हमें मिलती है राइट, तो मेरा परसेंटेज यहाँ पे कितना हो जाएगा अराउंड 6.2 चलो मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ 6.2 लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो बेसिकली मेरा राउंड फिगर यहाँ पे आ रहा है राउंड 6 जितना आ रहा है, ठीक है, राउंड 6 जितना मेरा यहाँ पे राउंड फिगर आ रहा है 6.2 मेरा यहाँ पे आ रहा है फिगर। तो अगर आपसे पूछ रहे कि यार कितना परसेंटेज ग्लूकोज आपका एनर्जी रिलीज होता है, तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन 3 मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है लेस देन 7%। तो जब उन्होंने पूछा व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो आपको वही दिमाग दौड़ाना, नहीं तो वही ना आपको राउंड फिगर ही चाहिए ना आपको यहाँ पे सर, लेकिन ये एरोबिक का ना, लेकिन यहाँ पे लैक्टिक एसिड तो एनएरोबिक का नहीं है, नहीं देखो हाँ देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, अब हम जानते हैं कि वैल्यू कितनी आपकी, कितना आपका एनर्जी रिलीज हुआ आपके यहाँ पे 2 ATP राइट। तो आप पता है कैसे कैलकुलेट करोगे, आप टोटल ऑक्सीडेशन जब होता है मेरे ग्लूकोज का तो आपकी टोटल एनर्जी कितनी मिलती है 38, आप उसके रेफरेंस से आपसे कैलकुलेट करोगे कि मुझे अभी यहाँ पे कितनी मिली, कितनी मिल सकती थी मुझे, हाउ मच आई कुड हैव रिसीव्ड, लेकिन जब मेरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुआ तो मुझे यहाँ पे कितनी मिली, समझे इस बात को, अगर मेरे ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो मुझे कितनी मिलती 100% 36 ATPs मुझे यहाँ पे मिल जाता है, और अगर वो कह रहे कि जब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको कितना परसेंटेज आपको मिल रहा है, तो आप ये देखेंगे कि उसको मैं रेफरेंस लूंगा, जो मेरा एरोबिक रेस्पिरेशन में जो मुझे एटीपी मिलते थे उसको मैं लूंगा एज अ रेफरेंस, इतना मुझे मिल सकता था लेकिन अभी मुझे कितना मिला, आई एम गेटिंग लेस देन 7, तो इसको मैंने कंपेयर किया मेरे एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ एंड देन आई हैव रिसीव्ड द आंसर दैट इज माय लेस देन 7, क्योंकि इतना जब आपको एटीपी मिल रहा है देन इसका परसेंटेज अगर आप निकालते हो डायरेक्टली तो यू विल गेट लेस देन 7। समझ आ रहा है मोनिका यहाँ पे, इज दिस थिंग क्लियर टू यू एंड ऑल ऑफ यू, ठीक है, तो आप उसे रेफरेंस लोगे कि इतना मिल सकता था बट अभी मुझे इतना मिला है इन रियल से मुझे इतना मिला है, बट अगर मैं कंप्लीट अगर ऑक्सीडेशन करता तो हाँ मुझे फिर 100% मिलता राइट, बट अभी मुझे कितना मिल रहा है ओनली 2 ATP मिल जाए, सो दैट इज वाई लेस देन 7% विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, तो ऐसा भी अगर कभी क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना, आप बस अपना बेसिक्स याद रखिए राइट, आप डायरेक्टली भी परसेंटेज निकाल सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया आपको यहाँ पे, बट आपका बेसिक सारे हो गया आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे राइट। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको तो आपको मुझे हैंड रेज करके आंसर देना पड़ेगा, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 molecules ऑफ पाइरुविक एसिड, तो इसका आप हैंड रेज करके मुझे आंसर यहाँ पे दे सकते हो, बताइए प्रिया क्या आंसर होगा इसके अंदर, बोलिए ऑप्शन 2। प्रिया यहाँ पे ऑप्शन 2 के लिए, मोनिका आपको क्या लग रहा है, 2 राइट, सो ऑप्शन 2 आप लोग का यहाँ पे सही आंसर है, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी सही आंसर है आपका, नेट गेन एटीपी का आपका 2 का ही होता है जब आप ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हो 2 molecules ऑफ पाइरुविक एसिड, सो दैट इज गोइंग टू बी नेट गेन आपके एटीपी का यहाँ पे आपका सिर्फ 2 का होगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है, एक काम करिए टेक योर 30 seconds लीजिए अपना एंड देन ट्राई टू आंसर दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और सिंपल है वैसे देखा जाए तो, सो क्विकली रीड दिस क्वेश्चन ट्राई टू आंसर दिस, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। चलिए और हैंड रेज करना पड़ेगा आपको आंसर देने के लिए, मोनिका ने कर लिया, इशिता कुमारी ने भी कर लिया, बाकी लोग भी करिए बेटा करिए, सिंपल है बेटा कुछ है नहीं खास उसमें, ऐसा लग रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख के कभी भी आप लाइक टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, रीड द स्टेटमेंट्स एंड विल गेट योर आंसर्स। दीक्षा ने भी कर लिया, पलक ने भी कर लिया, पलक ने वापस हैंड नीचे कर लिया, पलक ने वापस हैंड अप कर लिया, ऑलराइट बाकी लोग बेटा बाकी लोग भी कर सकते हो बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए पलक क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर, ऑप्शन 2 पलक को यहाँ पे ऑप्शन 2 लग रहा है, ठीक है। दीक्षा कुमारी आपको क्या लग रहा है,
ऑप्शन टू नहीं दीक्षा कुमारी दीक्षा कुमारी दीक्षा ऑप्शन टू आपका ऑप्शन टू लग रहा है ठीक है एक और कोई आंसर हम ले लेते हैं अंशिका आपको क्या लग रहा है सर ऑप्शन टू अंशिका आपको बताना पड़ेगा आप क्यों कह रहे हो कि ऑप्शन टू मेरे यहाँ पे गलत है आप क्यों कह रहे हो कि स्टेटमेंट टू मेरे यहाँ पे गलत है एक्सप्लेन कर दो यस सर अंशिका आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों ये गलत है आपके हिसाब से बताइए मुझे यस सर जब ईटीसी ऑफ रिस्पायरेशन होती है ना ईटीसी वाली तो उसमें वन जब NADH प्लस एच का जो बनता है उससे 3 ATP बनते हैं और FADH2 से 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं राइट बिल्कुल सही बात है NADH से आपके 3 ATP आपको मिलते हैं और FADH से आपको मिलते हैं 2 ATP तो बिल्कुल सही बात है ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे गलत है दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग सो दैट बिकम्स अ करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था एंड काफी क्लियर कट आपका यहाँ पे आंसर दिख रहा था बहुत बढ़िया ठीक है अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को The number of substrate level phosphorylation in one turn of citric acid cycle is the number of substrate level phosphorylation in one turn of citric acid cycle is तो ध्यान से देख के हैंड रेस करिए और आंसर बताइए मुझे इसका सिंपल क्वेश्चन है कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं अच्छा आपसे इन लोगों ने क्या होता है मेरे यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फाइलेशन अंशिका ने हैंड रेस यहाँ पे कर दिया कितने बार होता है आपका यहाँ पे इशिता कुमारी बताइए सर ऑप्शन फोर इशिता कुमारी हमारे यहाँ पे कह रही है ऑप्शन फोर ओके देन अंशिका अंशु अंशिका अंशु बताइए क्या आंसर होगा आपके यहाँ पे सर ऑप्शन फर्स्ट अरे 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 ओके अलग अलग आंसर यहाँ पे आ रहे हैं मोनिका आपको क्या लग रहा है ऑप्शन टू तीन अलग अलग आंसर मिल चुके हैं आप सब लोग काफी अनोखे आंसर्स दे रहे हैं अंशिका आप बताइए अंशिका सिर्फ अंशिका जिनका नाम है बताइए सर ऑप्शन टू आप लोग और भी कोई कृतिका कौंडल आप बताइए क्या होगा इसका आंसर कृतिका कौंडल बताइए सर ऑप्शन थ्री ऑप्शन थ्री आप कह रहे हैं कृतिका आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे कृतिका चलो कोई बात नहीं ठीक है पलक आप बताइए सर ऑप्शन फोर ऑप्शन फोर आई जस्ट टेक वन मोर आंसर आरुषि फटाफट बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर बोलिए आरुषि आंसर नहीं दे रहे चलो कोई बात नहीं अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इज वन बोलो आरुषि जल्दी बोलो जल्दी सर ऑप्शन थ्री ऑप्शन थ्री मुझे एक्सप्लेन कर दो आरुषि कैसे ऑप्शन थ्री आपके यहाँ पे हो रहा है एक्सप्लेन क्यों नहीं करते हो आप लोग हिंदी में तो कहता हूँ आपको ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ कि तेलुगु में एक्सप्लेन करो हिंदी में करो एक्सप्लेन आराम से देखो अब याद करिए बेटा आप सब लोग याद करिए आप सबने काफी अलग अलग आंसर यहाँ पे दिए ऑप्शन थ्री आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बट आप याद रखिए ऑप्शन थ्री मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्यू है आप अपने क्रेब्स साइकिल अरे सुनो ना आप अपने क्रेब्स साइकिल को यहाँ पे याद करिए उसमें होता क्या था आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपका कब होता था याद करिए जब आपका सक्सिनाइल को ए जब आपका सक्सिनाइल को ए आपका कन्वर्ट किया जाता था आपका सक्सिनेट एसिड के अंदर इट यूज टू कन्वर्ट इनटू सक्सिनेट के अंदर तो जब आपका ये कन्वर्जन किया जाता था तो याद करिएगा आपका एक GTP बनता था किसको याद आ रहा है ये वाली बात GTP तो याद रखिए कि जब आपके यहाँ पे GTP बनता था दैट वाज एग्जांपल ऑफ माय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वही तो आपका स्टेप है जहां पे आपका GTP बन रहा है तो कितने बार ऐसा होता है एक ही बार होता है जब yes, एक टर्म होता है आपके साइट्रिक एसिड साइकिल का तो आपका सिर्फ एक ही बार होगा ना यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ओनली वन टाइम दिस विल बी हैपनिंग तो इसलिए ऑप्शन थ्री मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर जिन्होंने सारे अलग अलग आंसर दिए थे क्या अब ये चीज सबको क्लियर है इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछता ग्लाइकोलाइसिस के कॉन्टेक्स्ट में कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे कितने बार होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन तो आपका आंसर क्या होता बिल्कुल सही बहुत बढ़िया देन यू कुड हैव आंसर्ड इट टू राइट तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना सो ऑप्शन थ्री ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर ठीक है सो चलिए आगे बढ़ते हैं वेयर इज अ रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट्स प्लांट्स के अंदर आपका ईटीसी आपका कहां पे लोकेटेड होगा तो बताइए क्या आंसर इसके अंदर हो सकता है हैंड रेज करके चलिए बाकी लोग भी देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस
चलिए दीक्षा कुमारी आप बताइए जल्दी क्या आंसर होगा इसके अंदर। ऑप्शन फोर। ओके ऑप्शन फोर। ओके पलक आप बताइए। ओ ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री के लिए पलक। मोनिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन थ्री। बेटा ऑप्शन थ्री ही यहाँ पे आंसर होगा। आपका ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीसी बेटा ये आपका कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। इट विल हैपन इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर ही आपका होगा। ठीक है तो ऑप्शन थ्री आपका बनता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके पलक समझ आ रही है मेरी बात? वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं होता ना बेटा, वो तो आपके मेम्ब्रेन पे लगा होता है सारा सिस्टम आपका कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन थ्री ही बोला। अच्छा हमने तो फोर सुना, देखिए बाकी लोगों ने फोर सुना होगा। यस सर। और सुना बेटा क्या दीक्षा आपने तो ऐसे बबल करके फिर बोला कि नहीं मैंने बबल नहीं किया था यहाँ पे, ऐसा थोड़ी होता है। सर वो पलक ने बोला। अच्छा अच्छा ठीक है ऑल राइट ओके गॉट इट। ठीक है सो सबका आंसर यहाँ पे मतलब सही है, दैट इज ऑप्शन थ्री। ओके ठीक है ऑल राइट चलिए फिर ये देखते हैं। द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल ईटीसी इज अ फॉर्मेशन ऑफ। The overall goal of your glycolysis Krebs cycle ETC is a formation of क्या होता है उनका collectively goal। तो चलिए अब इसके लिए भी आप hand raise करिए and then try to answer this। ठीक है क्या आंसर इसके अंदर हो सकता है आपके यहाँ पे? अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। बताइए अंशिका अंशु क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड आप कह रहे हो। सलाम आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर सलाम कुमारी कैसे होगा ये ऑप्शन फोर? बेटा देखो यहाँ पे द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी इस फॉर्म में ग्लूकोज थोड़ी मिलता है बेटा आपको, आपको शुगर मॉलिक्यूल नहीं मिलता जब आप ये प्रोसेस कर रहे होते बेटा, तब आपको एंड में क्या मिलता है? शुगर मॉलिक्यूल नहीं मिलता ना आपको, एंड में आपको क्या मिलता है? एंड में आपको क्या मिलता है यहाँ पे? एटीपी है ना, तो इसलिए याद रखना एटीपी इन अ स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट। याद रखना ये जब आप प्रोसेस कर रहे हो तो आपको एटीपी मिलते हैं इन अ स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट के अंदर, आपको एटीपी यहाँ पे बनते हुए आपको मिलेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन देख के आंसर करिए, ऐसे ही आंसर मत करिए दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है ये वाला क्वेश्चन मेरे को आपको समझाना पड़ेगा, यू वोंट डू इट राइट नाउ। ये वाला क्वेश्चन तब तक करते हैं बिकॉज वी ओनली हैव लाइक फ्यू मिनट्स। द केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोपोज दैट एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ। ये जो थ्योरी है जिसके थ्रू हमारा एटीपी बनता है वो कैसे बनता है ये लोगों ने यहाँ पे आपसे पूछा है, ध्यान से देखिए। टेक योर 15 सेकंड्स 20 सेकंड्स एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है नहीं, बस उन्होंने इसे दिखा के रखा हुआ है, बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। प्रिया बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर, बोलिए। ऑप्शन वन। प्रिया यहाँ पे ऑप्शन वन यहाँ पे कह रही है, ठीक है। अंशिका सिर्फ अंशिका क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर ऑप्शन वन। अंशिका भी शायद ऑप्शन वन यहाँ पे कह रही है, ठीक है से सुनाएंगे। मोनिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन वन। ऑलराइट एंड दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन वन। यस ऑप्शन वन आपका सही आंसर है। अ प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन और इसके थ्रू आप अपना एटीपी बना पाते हो, सो ये बिल्कुल आपके यहाँ पे सही ऑप्शन है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है ये भी बताना क्वेश्चन नंबर 10। इन द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्युमुलेट्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके प्रोटॉन कहाँ पे? अरे 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 हैंड इज नहीं किया, -25 याद रखेगा सब लोग, मोनिका के -25 हमें याद रखने अगर मैं कभी भूल जाऊं तो हम लोग इसे कट करेंगे बेटा। अब हमेशा आपके राइट आंसर के लिए हम लोग एक एक उसमें से लाइक सही कर दे जाएंगे। ठीक है सो बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर, क्या नाम है इसका? सलम बताइए क्या आंसर होगा, बोलिए सलम बोलिए। ओके और कौन है यहाँ पे? बस इतने ही लोग, दैट्स इट, इतने लोग की टॉपिक समझ आया, ऐसे कैसे हो सकता है? बताइए प्रिया आप बताइए आपको क्या लग रहा है क्या आंसर हो सकता है इसके अंदर? प्रोटॉन कहाँ पे इकट्ठा होते हैं, एक्युमुलेट कहाँ पे होते हैं? सर लास्ट में, स्टार्टिंग में क्या? ऑब्वियसली बेटा लास्ट में, लास्ट में ही ना, नहीं लास्ट में सी जब आपका कहा जा रहा है प्रोटॉन एक्युमुलेट कहाँ हो रहे तो आप उस तरीके से देखिए कि आपका इनका एक्युमुलेट होना कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आप देखिए कि जब प्रोटॉन सबसे पहले जब आपका कहाँ पे जाएगा वो कहाँ पे जाएगा आपको याद रखना है। सो नाउ टेल मी कहाँ पे इकट्ठा होंगे सबसे पहले? ये ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर
ठीक है, आई जस्ट एक वन मोर आंसर राइट नाउ. बताइए मोनिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन फोर. आप लोग एकदम श्योर नहीं है, लेकिन यस ऑप्शन फोर आपका सही आंसर होगा. याद रखना जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो आपके प्रोटॉन इकट्ठा होता है आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, फिर बेटा वो बाद में मैट्रिक्स में आता है. तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि इकट्ठा कहाँ पे हो रहे हैं, तो याद रखना दे आर एक्युमुलेटिंग इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. सो ठीक है, और इवन अगर आपका गलत आंसर रहा है दैट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई मतलब गलत बात नहीं है. इट्स एक्चुअली अ वे टू लर्न, राइट? इट्स मच 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 बेटर टू गिव आंसर एंड इट बिकम्स रॉन्ग देन नॉट सेइंग एनीथिंग, राइट? और ये सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, पूरे आपके लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में ये बात है, राइट? सो इवन व्हेन यू गेट इनटू समथिंग, यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, यू माइट एंड अप डूइंग दैट वेरी बैडली, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन. स्टिल इट्स मच बेटर देन डूइंग नथिंग. सो प्लीज आई वुड टेल एवरीवन ऑफ यू टू एंगेज इन दिस क्वेश्चन सॉल्विंग, बिकॉज तभी आपका यहाँ पे आपका हाथ बैठेगा. अब एक काम करते हैं, आई विल जस्ट आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, बिकॉज पढ़ के आइए तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे सही से. In which of the following process CO2 is not released? इसमें से कौन सा प्रोसेस आपका यहाँ पे जिसमें आपका CO2 रिलीज नहीं होता? ध्यान से देखिए and then try to answer this. Please pay attention over here and try to answer this. प्राची बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन थ्री. ओके देखिए क्या पूछा है, CO2 रिलीज नहीं होता, ठीक है? सो आप कह रहे हो यहाँ पे आपका ऑप्शन थ्री, आप चाहो तो प्राची आप चाहो तो अपना आंसर चेंज कर सकते हो. इट लुक्स लाइक अ केबीसी चल जाए जैसे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है. अरे रुक जाओ. हाँ सलम बताइए. ऑप्शन फोर. ऑप्शन फोर कह रहे हैं यहाँ पे सलम. मोनिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन फोर. एक और आंसर मिलना चाहूंगा. इशिता कुमारी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन फोर. देखिए मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि एयरविक रेस्पिरेशन जब होता है तब तो CO2 बनता है, वो आपने देखा है क्रेब्स साइकिल के अंदर. एयरविक रेस्पिरेशन तब आपका CO2 बनेगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, आपको बनता है दिखते हुए. एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में तो बनता ही बनता है, इसमें तो बनना ही है, और इसके इसी तो आपकी ब्रेड बन पाती है. आपकी जो ब्रेड होती है जिसकी जो फ्लफीनेस, आपका केक जो होता है उसकी फ्लफीनेस आती है, वो CO2 से आती है जब फर्मेंटेशन वहां पे होगा, तो इसमें भी आपका बनेगा. याद रखना लैक्टेट फर्मेंटेशन के अंदर आपका कभी भी CO2 रिलीज नहीं होता. सो यस ऑप्शन फोर बिकम्स ओवर हियर एज माय करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. चलिए एक क्वेश्चन और, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग रैप अप करेंगे, ठीक है? द थ्री बॉक्सेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द थ्री मेजर बायो सिंथेटिक पाथवे इन द एरोबिक रेस्पिरेशन. ये जो तीन पाथवे आपके होते हैं ना, ग्लाइकोलाइसिस, देन योर क्रेब्स साइकिल, देन योर ऑक्सीडेटिव फॉर्मेशन, ये तीनों यहाँ पे दिखाया हुआ है. आपको बताना है 4, 8 और 12 यहाँ पे क्या है. व्हाट इज माय लेबलिंग 4, व्हाट इज माय लेबलिंग 8 एंड व्हाट इज माय लेबलिंग 12. क्या हो सकता है ये मेरा यहाँ पे लेबलिंग, तो ध्यान से देखिए एंड टेल मी क्या हो सकता है ये तीनों चीजें मेरे यहाँ पे क्या हो सकती है. सो 1, 2, 3, 4 बताइए प्राची क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर. अच्छा शायद आपका पुराना हैंड रेज है शायद से. ओके दीक्षा आप बताइए क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर. सर एटीपी. दीक्षा को यहाँ पे एटीपी लग रहा है, राइट? अंशिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन थ्री एटीपी. और मुनिका आपको क्या लग रहा है? एटीपी. राइट एटीपी सही आंसर आपका बेटा. यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के बाद भी आपको एटीपी मिलते हैं, आपके क्रेब्स साइकिल के बाद भी आपको एटीपी मिलेंगे यहाँ पे, और आपके ईटीसी के बाद तो आपको मिलते ही मिलते हैं एटीपी, राइट? बाकी चीजें तीनों में आपको नहीं मिल रही, मतलब एनएडीएच आपका पाथवे सी में आपको नहीं मिल रहा, वो तो यूज किया जा रहा है, पाथवे बी और पाथवे ए में आपको बन जाता है, ठीक है? सो आई कैन नॉट से द सेम थिंग फॉर माई एस्ट्रो मॉलिक्यूल एज वेल, राइट? सो दैट इज व्हाई एटीपी बिकम्स अ करेक्ट आंसर ओवर हियर. सो एटीपी बिकम्स योर राइट आंसर इन दिस. So this is what we have done most of the questions, और कल की क्लास में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, so that we can have a strong understanding of these topics over here, ठीक है? और जो भी इस चैप्टर में बिट्स एंड पीसेस में कुछ कुछ बाकी होगा उसे हम एक बार देख लेंगे, और क्वेश्चन सॉल्विंग हमने काफी करनी है कल के क्लास के अंदर, सो दैट आपका पढ़ के आइए बेटा, अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग आपके यहाँ पे अच्छे से हो जाएगी. और एक और चीज आप समझो, हम क्लास में 10-10, 15-15 क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे ना, तो उतने ही आपके क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आप सेम सॉल्व करते हो मेरे साथ बैठ के, तो उतने क्वेश्चन आपके हो भी जाते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी उतने क्वेश्चन को लेकर आपकी क्लियर हो जाती है, सो इट एक्चुअली हेल्प्स. तो अगर आपको जो होमवर्क मिलता है अगर 30 क्वेश्चन का, तो 10 क्वेश्चन तो आप क्लास में ही कर चुके होते हो, सो इट इज एडेड एडवांटेज ओवर टू यू दैट यू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अब आपको बाकी के 30 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, सो प्लीज डू दैट, प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन इन द क्लास एज वेल एंड इंटरेक्ट करिए, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड एक बार फिर आपको बता रहा हूँ वापस से,
कि करा करिए इंटरेक्शन, ट्राई करा करिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, गलत आ रहा है कोई बात नहीं, राइट, नो इशू विद दैट, बट डू ट्राई. एक बार गलत होगा, दो बार होगा, चार बार होगा, पांच बार होगा, राइट, इवेंचुअली यू विल फाइंड कि आपका एक मोमेंटम बैठेगा, आपके सही क्वेश्चंस होंगे. गलत भी अगर हो रहे तभी आपको पता चल रहा है कि यार मेरा गलत क्यों हो रहा है, दैट इज ऑल्सो यू गेट टू रियलाइज, यू डू स्टार्ट एंगेजिंग इन द सॉल्विंग क्वेश्चन, इट हेल्प्स. एंड अगर मैं आपको अगेन ये चीज मैं आपको कह रहा हूँ, ये सिर्फ नॉट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर नीट प्रोग्राम, इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ. ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ.